हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दोस्तों, सेट वन जो है मैंने वीडियो पहले डाल दिया है, यदि आपने नहीं देखा है जरूर से जाकर देख लीजिएगा। और आज हम लेकर के हाजिर हैं आप सभी के बीच सेट टू फिजिक्स के क्वेश्चन से। मैं आप सभी के लिए 10 क्वेश्चन लाता हूँ और ये सभी 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पिछले विगत वर्षों में पूछे गए होते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं और उसका जो आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं आप जैसे जरूर से कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आप जरूर से दीजिएगा। आप सभी के लिए 5-5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का, जिसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दें कि यदि आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो यदि आप हमारे पहले टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर ही आपको सारे PDF देखने को मिलते हैं जो भी मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। आइए अब शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारा है, वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन 4 हैं, मैक संख्या, ऑप्शन बी यानी आणविक संख्या, ऑप्शन सी ध्वनि गुणांक, या ऑप्शन डी परमाणु संख्या। 4 ऑप्शन हैं, आपको इनका आंसर कमेंट करना है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर है वो हमारा है ई, यानी कि मैक संख्या। वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को हम लोग मैक संख्या के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता प्रत्यक्ष रूप से किस पर, इनमें से किस पर जो है निर्भर करती है। आपके ऑप्शन 4 हैं, आयतन के ऊपर, ऑप्शन बी है क्षेत्र के वर्ग पर, ऑप्शन सी है क्षेत्र के ऊंचाई पर, या ऑप्शन डी आयाम पर। आपका आंसर जो भी है नीचे कमेंट में जरूर से कमेंट कीजिएगा। आइए अब जानते हैं इसके आंसर को। आपने क्या कमेंट किया था? इसका जो आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र के वर्ग पर। यदि आपका आंसर सही है तो अभी फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे भी और बहुत सारे प्रश्न हमारे चैनल पर आने वाले हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर बुक्स से रिलेटेड भी वीडियोज़ आती रहती हैं और साथ ही साथ मैं अपलोड करता हूँ बिहार पॉलिटेक्निक के टिप्स एंड ट्रिक्स। और मैं ऐसा वीडियो लाने वाला जिसमें मैं आपको बताऊँगा पूरा फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू सेमेस्टर एग्जामिनेशन तक। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, आने वाले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगा। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगे संचरित हो सकती हैं। 4 ऑप्शंस, केवल अधातुओं में, केवल धातुओं में, सी वायु में, या इनमें से कोई नहीं। अनुप्रस्थ तरंगे संचरित हो सकती हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने, ये रहा। आइए जानते हैं इसके आंसर्स को। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा केवल धातुओं में। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे केवल धातुओं में बहुत ही अच्छे तरीके से संचरित होती है और बहुत ही तीव्र गति से इसका संचरण होता है। आइए अब बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा हमारा प्रश्न है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चारों में से कोई एक आंसर सही होगा, जरूर से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं इसके आंसर्स को। आपका आंसर क्या था नीचे कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग। किसी भी गैस में उत्पन्न जो ध्वनि होती है, जो तरंग होती है, ध्वनि तरंग, वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब बढ़ते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न पर। ध्वनि की प्रबलता किस तथ्य पर निर्भर करती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयाम पर, आवृत्ति पर, गर्त पर, या उसके कंपन पर। ध्वनि की प्रबलता किस तथ्य पर निर्भर करती है, आइए जानते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसके आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न, अप्रगामी तरंगों द्वारा ले जाई जा सकती है। अप्रगामी तरंगों द्वारा
इनमें से क्या ले जाई जा सकती है? ऑप्शन ए उष्मा, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रकाश, या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इसके आंसर्स को। अप्रगामी तरंगों द्वारा हम ऊर्जा का जो है संचरण करवा सकते हैं, अप्रगामी तरंगों के थ्रू हम ऊर्जा को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें नंबर प्रश्न की। जल एवं स्टील में से ध्वनि किसमें तीव्रतम चलती है? चार ऑप्शंस, अ धातु, बी स्टील, सी वायु, या डी निर्वात। जल एवं स्टील में से ध्वनि किसमें तीव्रतम चलती है, यानी सबसे अधिक तेज किसमें चलती है? आइए जानते हैं इसके आंसर को। आंसर हमारा है स्टील में। ठीक है, स्टील में जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता होती है। अब बात करेंगे हवा में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, इनमें से कोई फैक्टर होगा, कोई कारक है। आठवां नंबर हमारा प्रश्न है, ताप घटने पर, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है धनत्व घटने पर, ऑप्शन नंबर सी है ताप के बढ़ने पर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा है कणों के स्थिर होने पर। हवा में ध्वनि का वेग बढ़ता है, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो काम आता है ध्वनि के वेग बढ़ाने पर? आइए जानते हैं इसके आंसर्स को। हमारा इसका आंसर है ताप बढ़ने पर। जी हाँ, जब ताप बढ़ता है तो कणों के बीच में जो कंपन है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कणों का वेग बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि का जो है वो भी वेग बढ़ता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले टेलीग्राम चैनल पर वन लाइनर क्वेश्चन और एमसी के क्वेश्चंस कुछ अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मैंने एक एमसीक्यू और वन लाइनर पर एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पर देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से उसको क्लिक करिएगा। आपको ज़रूर से उसमें हेल्प मिलेगा कि कौन सा बेटर है हमारे लिए, एमसीक्यू बेटर है या हमारा जो है वन लाइनर बेहतर है। बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप इनमें से क्या चूज करना चाहते हैं, एमसीक्यू को पढ़ना चाहते हैं या आप वन लाइनर को प्रीफर करना चाहते हैं? मैंने दोनों का कंपेरिजन बना रखा है, आप ज़रूर से आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। एक और चीज़ बता दें आपको कि यदि आपके पास बुक नहीं है बिहार पॉलिटेक्निक का या बिहार आईटीआई का, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और आपको कार्ड पर मिल जाएगा, या आप इन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के नौवें नंबर सवाल पर। ध्वनि के वेग से अधिक वेग वाली वस्तु क्या कहलाती है? ध्वनि के वेग से अधिक वेग वाली वस्तु क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके हैं पराध्वनिक, ऑप्शन बी आपके हैं पराश्रव्य, ऑप्शन सी है मॉड्यूलेटेड, या ऑप्शन डी है कंपित वस्तु। आइए दोस्तों इसको आंसर्स को जानते हैं। इसका आंसर हमारा है पराध्वनिक। जो भी वस्तु ध्वनि के वेग से तेज चलती है या गुजरती है, ठीक है, तो उस वस्तु को हम लोग पराध्वनिक वस्तु के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज का जो दसवां प्रश्न है उसको देखते हैं। दसवां प्रश्न, सितार के तार में जो लगे जो तार होते हैं सितार के, उसके जो तरंग उत्पन्न होते हैं वो कौन सी तरंग होती है? ऑप्शन ए है निम्नगामी, ऑप्शन बी है पराध्वनिक, ऑप्शन सी है अप्रगामी, या डी है ध्वनि रिकॉर्डर। सितार के तार में लगे तार में तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है, जो सितार में जो तार लगा होता है उसे कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? आइए जानते हैं इसके आंसर्स को। इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा अप्रगामी तरंगे। सितार के तार से जो तरंगे निकलती हैं वो अप्रगामी तरंगे होती हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की लास्ट प्रश्न। ऐसे 10-10 प्रश्न आपको और भी देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल पर जो है आर्या साहब जुड़ने वाले हैं, तो वो भी आपको 20-20 क्वेश्चंस देखने को आप सभी को मिलेगा उनके द्वारा, जो कि शाम में करीब 7 बजे आपको प्रीमियर हो जाएगा मेरे चैनल पर। तो ज़रूर से विजिट कीजिएगा। वन डे फिजिक्स एंड वन डे केमिस्ट्री चलेगा, और जो पीएम के छात्र हैं उनको लिए बायोलॉजी की भी जो ज़रूरत होगी तो उनको भी ज़रूर से देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स के लिए भी आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए जाएंगे, तो इसकी चिंता मत कीजिए। जितने लोग अभी तैयारी कर रहे हैं जल्दी से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम क्या है? एप्लीकेशन है जिस पर आप चैनल आपको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ लिंक दिया गया,
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे एक और नए टिफ्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।